अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग। तो ये आपके सामने कलर स्कीम है। इवनिंग में हमने कलर्स डिसाइड किए थे घर के लिए, जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेरे भाई का घर बन चुका है, कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, पेंट वाला टच रह गया, तो हमने इंडोर और आउटडोर पेंट जो था आज डिसाइड कर लिया था। तो दोपहर को खाए हमने दाल चावल और ये आपके सामने है टॉफ़ी। इसको देख के मुझे अपने बचपन की याद आ गई कि इस कैंडी को हमने बहुत खाया है। आज का मेन्यू हमारा है स्पैगेटीज। स्पैगेटीज आप सबकी फरमाइश पे, तो चिकन को भाई इसके अंदर करने का एक खास तरीका होता है, सबके अपने अपने तरीके। कुछ लोग बॉयल करके डालते हैं, लेकिन मेरा तरीका ये है कि मैं इसको मैरिनेट करके रख लेती हूँ, छोटी छोटी बोटियाँ करके, दही थोड़ा सा डालती हूँ, नींबू निचोड़ती हूँ, नमक, चिली फ्लेक्स, और उसके अलावा इसके अंदर काली मिर्च आती है और एक मसाला है दैट इज़ नेशनल का टिक्का मसाला, आपके सामने रेड कलर का नज़र आ रहा होगा, ये हम इसके अंदर ऐड करते हैं। ये इस रेसिपी का राज है जो इस रेसिपी को चार चांद लगा देता है। तो जनाब चार चांद लगाने के बाद इसके अंदर एक और मेरे पास पड़ा हुआ था मसाला, वो बेक पार्लर का जो प्रोडक्ट है, जो डब्बे आते हैं छोटे छोटे मैक्रोनीज के, उसके अंदर वो अलग से देते हैं, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किया था। तो भाई आज की जो रेसिपी है इसके अंदर वेजिटेबल्स का इस्तेमाल होना था, लेकिन वेजिटेबल जो है उसमें से एक जो वेजिटेबल्स की सरदारनी है शिमला मिर्च, वो मिसिंग थे। तो हमारी आपा होती थी भाई पुरानी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, तो वो कहती थी भी बच्चियाँ सलीकेमंद वही होती हैं जो घर में मौजूद चीज़ों से ही नमक मिर्च डाल डुल के काम चला लेती और खाना बना लेती, ये नहीं कि इंतज़ार में बैठी रहती भाई फ़लाँ चीज़ आएगी तो खाना बनेगा या फ़लाँ चीज़ बनेगी। तो भाई उनकी नसीहत मुझे याद है, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने जितनी वेजिटेबल्स मौजूद थी मैंने कहा भाई हम ऐसा करते हैं, बजाय इसके कि इंतज़ार करें शिमला मिर्च का, तो हम जो मौजूदा सब्जियां हैं उनकी ही कटिंग करके और उसको यूज़ करके बना लेते हैं भाई स्पैगेटीज़। तो जनाब आपके सामने है आलू शहनशाह सब्जियों का, और आलू एक ऐसी सब्जी है जो दी मोस्ट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली खाई जाने वाली सब्ज़ी है, लोगों की फेवरेट है। तो आलू कट कर किए मैंने, उसके अलावा मैंने इसके अंदर गाजर इस्तेमाल की, मटर इस्तेमाल किए। तो कटिंग के जनाब बहुत कोर्सेज होते हैं, जो लोग शेफ का कोर्स करते हैं, डिफरेंट क्लासेस लेते हैं, उनको सबसे पहले कटिंग पे ही लगाया जाता है, और कटिंग की जॉब्स भी हैं डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में। आप जब बाहर की कंट्रीज़ में, इवन अपने पाकिस्तान में भी जाएं, तो इसके अगेंस्ट आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। एक्सपर्ट्स होते हैं जिसको कटिंग करते हैं, उनके अंदर जो है वो उनकी ट्रेनिंग होती है, और ये डिफरेंट स्टाइल्स की जो है इसके अंदर आप कटिंग करके यूज़ कर सकते हैं। मैंने जनाब कटिंग करके आलू की ये देची, छोटी सी ननी मुनी सी हमारे घर एक देची है, इसके अंदर मैंने पानी डाल के इसके अंदर चढ़ा दिया था आलू को बॉयल होने के लिए, उसके अंदर भी थोड़ा सा ऑयल डाला ताकि नीचे ना लगे, और उसके अलावा ये बड़े देचके के अंदर मैंने स्पैगेटीज़ बॉयल करने का प्लान किया था, और इसको ज़रा खुला देचका हो तो अच्छे से जुड़ती नहीं है, तो अच्छे से जो है ये बॉयल हो जाती है। इसके अंदर आपके सामने मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, नमक ऐड किया है, और उसके बाद मैं इसके अंदर जैसे ये पानी उबलेगा, उबलने का आपने ज़रूर वेट करना है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपके सामने हैं स्पैगेटीज़, और इसके ऊपर बल्कि लिखा हुआ था कि दैट दिस इज़ पास्ता, वी कैन यूज़ इट फॉर एज पास्ता। तो ये है जनाब कोल्सन का, लेकिन मैं जिस ज़्यादा प्रोडक्ट्स पसंद है चाइनीज़ में, दैट इज़ फ्रॉम बेक पार्लर। तो बेक पार्लर के मैक्रोनीज़, नूडल्स, हर चीज़ बहुत अच्छी है, और वही मेरी ज़्यादा जो है कोशिश होती है इस्तेमाल करने का, टेस्ट बहुत अच्छा है। लेकिन बेक पार्लर की जो केचप है, टमाटो केचप, दैट इज़ टेस्टलेस, मुझे तो पसंद नहीं थी। एक बार हर अपनी अपनी चॉइस होती है, हमें जो पसंद है, जो मैं यूज़ करती हूँ अपने घर में, अपने ससुराल में, अपने मेके में अभी भी आती है, वो शंग्रीला की ही आती है। शंग्रीला की केचप जो है, शंग्रीला के प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत अच्छे हैं। ये जनाब जैसे ही पानी में बॉयल आ गया, इसके अंदर स्पैगेटीज आपने तोड़ के डाल देने हैं, और अच्छे से चम्मच हिला के आपने इसको, इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी ना पैक के ऊपर, इसके अकॉर्डिंग इसको 10 से 12 मिनट आपने देने होते हैं। ये आपके सामने मैं शो कर रही हूँ लोकेट हेयर, इसके ऊपर जितनी वजाइत है कि क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हैं और इसको कैसे बॉयल करना, तरीकाकार आपके सामने लिखा हुआ है, कितने इसके अंदर फैट्स हैं, सैचुरेटेड फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, वो सारी चीज़ें जो है इसके अंदर लिखी हुई थी। उसके अकॉर्डिंग उन्हें लिखा हुआ था कि इसको आपने 10 से 12 मिनट देने हैं, लेकिन जो कि ज़्यादा टाइम था, आराम से 5 से 6 मिनट के अंदर आपके स्पैगेटीज़ जो हैं वो बॉयल हो जाते हैं, आपने इसके पास रहना, ठीक है।
तो ये जनाब गाजर लाल लाल खूबसूरत रंगीन, सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान, अल्लाह ने कैसे रंग भर दिए हमारी दुनिया में। हम जिस ज़िंदगी है दुनिया में हम आए हैं, रंगों से अल्लाह ताला ने इसको सजाया है। सब्जियों में देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, आसमान की तरफ देखें तो आसमान सजा हुआ है बादलों से, सितारों से, सूरज से, चांद से। ज़मीन पे देखें तो दरख्त, पहाड़, समुंदर, और समुंदर के अंदर भी देखें तो पूरी दुनिया मुख्तलिफ रंगों की, खूबसूरत मुख्तलिफ साइज़ की मछलियाँ हैं। जहाँ जहाँ नज़र दुड़ाएँ अल्लाह की शान, आपको हर जगह नज़र आएगा। और सबसे ज़्यादा अहम बात कि आपके अंदर, आपकी शाहरख के अंदर, आपकी शाहरख में इंसान के पास जो है वो अल्लाह ताला मौजूद है, इस कदर करीब है कि आप जो सोच रहे होते हैं वो भी अल्लाह की ज़ात को पता होता है कि ये क्या सोच रहा है। तो ये मामलात हैं, अल्लाह को आप जितना महसूस करेंगे अल्लाह ताला आपको अपने साथ साथ महसूस होगा। तो ये एक बड़ी अच्छी फीलिंग है, इसके ऊपर सबको चाहिए कि फोकस करें और इबादत का भी साथ साथ जो है वो टाइम निकाला करें। दुनियादारी तो भाई चलती रहनी है, ये मामलात तो ख़त्म ही नहीं होने। तो जो पांच नमाज़ें नहीं पढ़ते तो एटलीस्ट यार दिन में एक नमाज जो है वो ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि उससे एटलीस्ट आपकी अल्लाह की बारगाह में हाजिरी तो लग जाती है ना। तो जनाब ये आपके सामने हो रही थी चॉपिंग, कैरेट्स की चॉपिंग कर ली, आलू की कर ली, मटर छील लिए, उसके अलावा प्याज था उसकी मैंने कटिंग कर ली। प्याज की कटिंग इस तरह से नहीं करनी कि जी आप इसको जो है वो जैसे सालन में डालते हैं मोटा मोटा सीधा सीधा काट के, नो, इसकी डायमंड कटिंग होती है, उसकी एक ख़ास शेप होती है, मोटा मोटा रख के उसको काटना होता है आपने डायमंड शेप में, वो यूटिलाइज़ किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके लिए ये है कि आप सब्ज़ियाँ बॉयल अगर जब समझते ज़रा सख्त है तो उनको बॉयल कर लें, जैसे मटर थे वो ज़रा सख्त होते हैं, टाइम लेते हैं, तो गाजर भी ये सख्त थी, लेकिन गाजरों को अगर आप ना भी करेंगे बॉयल तो कोई इशू नहीं, ज़्यादा छोटा ज़रा चॉप कर लें। कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा नरम चीज़ खाना पसंद करते हैं, तो जैसे मेरे जो हैं फादर इन ला है, मदर इन ला है, दांतों के शुक्रिया से नरम चीज़ें, तो जैसे मैं बॉईल कर लेती हूँ। तो मटर तो ऑब्वियसली बॉईल करने ही पड़ते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें आप ऐसे भी छोटी छोटी अगर चॉप कर लें तो ईज़िली आपकी गल जाती है, नरम हो जाती है थोड़ी सी स्टीम से, थोड़ी सी दम के, जैसे जैसे कि शिमला मिर्च है, जैसे कि गाजर है, आलू है और बंद गोभी है, इनके लिए ऐसा आपको बॉयल करने वाला स्टेप नहीं यूज़ करना पड़ता, ठीक है। तो ये अब इंशाल्लाह आपको जैसी सर्दियाँ आएंगी सूप बनाने का भी तरीका बताऊँगी। जब आप सब ये इनको वेजिटेबल्स को बॉयल कर रहे होते हैं ना, तो इसका जो पानी होता है इसके अंदर बड़ी गुज़ाइयत होती है, इस पानी को भी सूप के अंदर यूटिलाइज़ किया जाता है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो चिकन को ना बॉयल करके फिर उसको छोटी छोटी बोटियाँ करके फिर स्पैगेटीज के अंदर या मैक्रोनीज के अंदर या नूडल्स के अंदर ऐड करते हैं, तो मुझे उसको नहीं पसंद। उसकी रीज़न ये है कि अगर वो आप बॉयल्ड ऐड करें तो थोड़ी सी ना उसमें मुझे ना स्मेल फील होती है, तो शायद चिकन की क्वालिटी भी जाता होगा, लेकिन मैं इस चीज़ से गुरेज करती हूँ। और फिर मैं इस तरह से मैरिनेट करके अगर मैं बनाऊँ तो उसकी ज़रा खुशबू अच्छी आती है, तिक्के की खुशबू आती है। तो स्पैगेटीज़ को आपने बॉयल करने के बाद अच्छे से निचोड़ लेना है, ठंडा पानी फेर के टोकरी में रख लेना ताकि इसके अंदर से पानी अच्छे से निचड़ जाए, ठीक है। मीनवाइल जब ये वेजिटेबल्स उबल रही थी, मैक्रोनीज हमारे तैयार हो गए थे, तो मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन निकाला। अच्छा, अगर एक मैं आपको टिप देती हूँ छोटा सा, अगर आपको मैरिनेशन का ज़्यादा टाइम नहीं मिला तो आप थोड़ी देर में मैरिनेट करके ना इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दें, ठीक है। तो उससे ज़रा सा ना अच्छे से तो मैरिनेशन हो चाहिए, इंस्टेड ऑफ ये कि आप इसको बाहर छोड़ दें। तो ये मैरिनेट करके मैंने निकाला था इसको, तो आपके सामने मैंने मैरिनेट किया था, उस दौरान मैंने जस्ट वो बॉयल किए हैं स्पैगेटीज और कटिंग की है, वेजिटेबल्स को बॉयल की है, वो 10-15 मिनट जो है फ्रीज़र मेरा, और आपने शक्ल देखी थी इसकी जब निकाला है, तो तेल डाल के आपने इसको इसके अंदर भुनाई करनी है, ठीक है। इसकी आहिस्ता 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 आँच, हल्की आँच में इसकी भुनाई करें, और इसके अंदर फिर जैसे आप देखेंगे कि ब्राउन हो गया, फिर आप थोड़ा सा प्याज ऐड कर लें। सबसे पहले आपने प्याज ही ऐड कर दें, प्याज डालने के बाद भी आप इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हल्का हल्का चम्मच हिलाएंगे और थोड़ा सा इसके अंदर इसके बाद ना पानी डाल के आप ढक दें ताकि अंदर तक ये नरम हो जाए चिकन भी और प्याज भी, चूँकि ज़रा सख्त होता है, ज़रा सा पानी डालना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। अभी मैंने ढक दिया था इसको, अब मैंने उठाया है तो ये देखें दोनों चीज़ें अच्छे से नरम हो चुकी हैं। थोड़ी सी इसकी हल्की सी भुनाई करनी, और जो आपने बॉयल की वेजिटेबल्स ये देखें कितनी खूबसूरत हैं, सुभान अल्लाह की शान है,
सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम। देखें जब ऐसी चीज़ें आप इर्द गिर्द देखते हैं तो अल्लाह को याद किया करें, ये अल्लाह की कुदरत अल्लाह की शान है कि उसने इतनी रंगीन और ख़ूबसूरत चीज़ें आपके सामने दी हैं जो आपकी नज़रों को आपकी नज़र को ख़ूबसूरत बनाते हैं, ठंडक देते हैं, सुकून देते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैंने वही मसाला जो मैंने आपको बताया था जो बेक पार्लर के बॉक्स में से मैक्रोनी के बॉक्स में से निकलता है वो मैंने ऐड किया है थोड़ा सा, बल्कि इसको थोड़ा सा ही ऐड करें तो ज़्यादा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैंने ना इसको ज़्यादा कर ली, लेकिन थोड़ा ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर। इसके अंदर ज़्यादा काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल होता है। ऑयल अप टू यू, आप ऑयल जितना डालेंगे इसमें बन ही जाना होता है, कम से कम ऑयल में भी बन जाते हैं ये, ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल में भी ये बन जाते हैं। तो ये आप पे है आप कितना ऑयल खाते हैं, खाना पसंद करते हैं, ठीक है। अब ये स्टेप आ गया भाई, इसके अंदर आपने चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका, ये तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं मेरे शंग्रीला के ही हैं, शंग्रीला के ही मैं प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हूँ। तो जनाब आज जो मैंने ड्रेस पहना हुआ था हर आपको शो नहीं कर सकी, ये बोनेंजा का था और बोनेंजा के है अब तो प्रिंट्स पसंद ही नहीं आते, लेकिन ये बड़ा शुरू में बोनेंजा जब आया था तो बड़ा इसका एक ये क्लासिक सा और बड़ा यूनिक ड्रेस था। इसके शर्ट के स्टार्ट पे ना सामने की तरफ दामन पे एलिफेंट्स बने हुए हैं, आपको इंशाल्लाह मैं व्यू दिखाऊंगी अगर आप लोगों में से किसी ने कहा तो। और ये मैंने था ईद मिलादुन नबी की खुशी में, उस दिन तो नहीं पहन सकी, नेक्स्ट डे मैंने पहना था ग्रीन करके, और ग्रीन ही मैंने बेड पे बेडशीट बनाई थी, बेटी को भी ग्रीन कलर पहनाया था। तो खैर जिस तरह से आप कर सकते हैं सेलिब्रेट आपको करना चाहिए। अब ये देखिए थोड़े थोड़े आपने जो है स्पैगेटीज़ करके डालने, यहाँ पे स्पैगेटीज़ की क्वांटिटी जो थी वो ज़्यादा थी क्योंकि इसका पैक, इस कंपनी के पैक का अलग हिसाब है, दूसरी जो कंपनी जो बेक पार्लर में जो इस्तेमाल करती है उसका अलग है। फिर जनाब आपने एंड पे कैचअप डालने, मेन वाले जब आप सब्जियाँ जब कर रहे होते हैं ना उस दुरानिए के अंदर फ्राई कर रहे होते हैं या उस दुरानिए के अंदर अगर आप केचप डालेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, पता नहीं चलेगा डालिए कि नहीं। एंड पे आपने डालनी है दम के दौरान, फिर थोड़ा सा हरा धनिया आपने ऐड करना है, हरे धनिया की बड़ी अच्छी खुशबू आती है, मेजोरिटी हरा धनिया नहीं डालती लेकिन हरा धनिया का एक टेस्ट आता है, आप ट्राई करें। एंड पे मैंने थोड़ा सा देखा कि नमक की क्वांटिटी कम थी तो मैंने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के दोबारा इसको दम दिया था, ठीक है। ये और सिक्का भी डाला, स्पाइसेस थोड़े मुझे कम लग रहे थे इसलिए मैंने थोड़े थोड़े स्पाइसेस सारे ऐड करके अच्छे से चम्मच हिला के इसको थोड़ी सी हल्की आँच पे, ये जो एंड वाला स्टेप होता है ना भी जब आप इसमें स्पैगेटीज़ डाल देते हैं फिर आपने हल्की आँच करके इसको जो है अब इसको अच्छे से फेरना होता है, चम्मच हिलाना होता है ताकि ये अच्छे से सारा मिलजुल जाए एक दूसरे में, सब रच बस जाए, मसाले भी टेस्ट भी सब कुछ। तो जनाब ये देखें ये स्टीम के बाद ये रेडी हो चुके हैं, अब मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट। डिश आउट करने के बाद एंड पे आप सर्विंग करते वक्त भी आप इसके ऊपर केचप डाल सकते हैं, केचप जो है वो आप जो सी खाना चाहते हैं, चिली वाली खाने खाते हैं चिली वाली डाल लें, गार्लिक वाली डालते हैं गार्लिक वाली डालें, टमाटो, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें जो है ना सारी बनती हैं। तो ये जनाब मैंने डिश आउट की स्पैगेटीज़ और ये अब मैं थोड़ी देर बाद सर्व करूँगी। तो आज का जो फर्स्ट हाफ था दिन का वो तो मैं नहीं आपके साथ शेयर कर सकी, लेकिन मैं आपको बबली बता दें कि आज हमने दाल चावल बनाए थे, चना दाल की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ तो ऐसी वजह से मैंने इसको अपलोड नहीं था कि मैंने इवनिंग की जो रूटीन है आज की आपके साथ शेयर की है। तो जनाब मेरी बातें, मेरी रेसिपीज़, मेरा व्लॉग अगर आपको पसंद आता है तो बता दिया करें थ्रू कमेंट्स, मुझ तक पैगाम तो पहुँचाया करें ना भाई आपका पसंद आ रहा है हमें, और चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर, बाय।